नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए सर्च करें www.informationcenter.co.in। आइए जानते हैं मेथी के फायदे, उपयोग और नुकसान। मेथी को भारत में क्षेत्रवार के अनुसार अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जहां हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और पंजाबी में इसे मेथी कहते हैं, वही संस्कृत में इसका नाम मैथिका है, कन्नड़ में इसे मेंतिया, तेलुगु में मेंतुलु, तमिल में बेंडियम, मलयालम में वेंटियम, अंग्रेजी में फेनुग्रीक और लेटिन में ट्रायुगोनेला फोएयम ग्रीकम के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं मेथी के फायदे। डायबिटीज़, शुगर के मरीजों को अक्सर अपनी डाइट में मेथी के दाने शामिल करने के लिए कहा जाता है। इसके सेवन से शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेथी के दाने के सकारात्मक प्रभाव नज़र आए हैं। शोध में पाया गया कि मेथी के दाने में घुलनशील फाइबर होता है, जो पाचन की क्रिया को धीरे कर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण की दर को कम कर देता है। मेथी के दाने रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर करते हैं। मेथी का उपयोग कैसे करें? 1 चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह 1 गिलास पानी के साथ इनका सेवन करें। जिस पानी में मेथी के दानों को भिगोया था, आप सुबह खाली पेट उसका भी सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, शोध के अनुसार मेथी के दानों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता है। खासकर यह LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से खत्म करने में कारगर है। मेथी के दानों में नारंगेनिन नामक फ्लेवोनोइड होता है। यह रक्त में लिपिड के स्तर को कम कर सकने में सक्षम होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस कारण मरीज का उच्च कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। ऑर्थराइटिस का दर्द, उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में सूजन आने लगती है, जिस कारण असहनीय दर्द होता है। इसे जोड़ों का दर्द या फिर ऑर्थराइटिस कहा जा सकता है। इससे निपटने के लिए मेथी रामबाण नुस्खा है। मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुणकारी तत्व जोड़ों की सूजन को कम करके ऑर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाते हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मेथी के सेवन से हड्डियों व जोड़ों को जरूर पोषक तत्व मिलते हैं और स्वस्थ व मजबूत रहते हैं। मेथी के दानों में पेट्रोलियम इथर एक्सट्रैक्ट नामक यौगिक भी पाया जाता है, साथ ही लिनोलिक व लिनोलेनिक एसिड भी होता है, इसलिए मेथी दाने जोड़ों व हड्डियों में होने वाले दर्द से भी राहत दिला सकते हैं। हृदय के लिए, हृदय बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए मेथी के सेवन की सलाह दी जाती है। जो लोग नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम होती है और अगर दौरा पड़ भी जाए तो जानलेवा स्थिति से बचा जा सकता है। विभिन्न शोधों में पाया गया है कि मृत्यु दर के पीछे दिल का दौरा एक प्रमुख कारण होता है। यह तब होता है जब हृदय की धमनियों में रुकावट आ जाती है। मेथी के दाने इस स्थिति से बचाने में सक्षम होते हैं। अगर दिल का दौरा पड़ भी जाए तो ऑक्सीडेटिव तनाव को पैदा होने से रोकते हैं। हृदयघात के दौरान ऑक्सीडेटिव तनाव की स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही मेथी के बीज शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित रखते हैं, जिस कारण धमनियों में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती है। मासिक धर्म में फ़ायदेमंद,
हर महिला को मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। मेथी के दाने इससे राहत दिलाने में कारगर काम करते हैं, साथ ही मासिक धर्म से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। मेथी के दानों में एंटी इन्फ्लेमेटरी व एनालैक्सिक गुण पाए जाते हैं। वैज्ञानिक शोधों में इस बात की पुष्टि की गई है कि मेथी के ये गुणकारी तत्व मासिक धर्म में होने वाली हर तरह की पीड़ा से राहत दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, मेथी के दानों से बना पाउडर भी दर्द को कम कर सकता है और थकावट, सिर दर्द व जी मचलाना जैसी समस्याओं को कम करता है। मेथी में सेपोनिन्स व डायोसेजेनिन तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। ये मासिक धर्म में समय महिलाओं को ध्यान देने वाले पेट दर्द से राहत दिलाते हैं। पाचन तंत्र, आजकल के खान पान जिस तरह के हो गया है उसके चलते हमारा पाचन तंत्र लगातार खराब हो रहा है, साथ ही पेट से जुड़ी अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। इससे निपटने के लिए मेथी का सेवन करना बेहतर उपाय है। बदहजमी, कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को मेथी के सेवन से दूर किया जा सकता है। कब्ज और अल्सर के कारण खराब हुए पाचन तंत्र को ठीक करने में मेथी कारगर घरेलू नुस्खा है। मेथी के दानों में अत्यधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिस कारण यह भोजन को पचाकर पाचन तंत्र को बेहतर करता है। साथ ही यह प्राकृतिक ल्यूब्रिकेंट है, जो पेट व आंतों को चिकना व आरामदायक बना कब्ज जैसी बीमारियों को दूर करता है। इसके सेवन से मल सामान्य होकर आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, मेथी के दाने अपेंडिक्स के दौरान पेट में जमा हुई गंदगी को भी साफ करने में काम करते हैं। इस प्रकार पेट की बीमारियों से राहत दिलाते हैं। कैंसर, कई अध्ययनों में पाया गया है कि मेथी के दानों से निकला तेल कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। कैंसर पर किए गए कई अध्ययनों से खुलासा हुआ है कि मेथी में कैंसर से निपटने की क्षमता होती है। मेथी के दाने से निकले तेल में एंटी कैंसर गुण होते हैं, जो कैंसर सेल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मेथी के अर्क का सेवन करने से प्रतिरक्षा तंत्र पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। किडनी, कई वैज्ञानिक शोधों में इस बात का दावा किया है कि किडनी के लिए मेथी फायदेमंद है। मेथी को अपने भोजन में शामिल करने से किडनियां अच्छी तरह काम कर पाती हैं। मेथी के दानों में पॉलीफेनोलिक फ्लेवोनोइड पाया जाता है, जो किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। साथ ही यह किडनी के आसपास एक रक्षा कवच का निर्माण करता है, जिससे इसके सेल नष्ट होने से बच जाते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर कम हो जाए तो ऑक्सीडेटिव तनाव का प्रभाव बढ़ जाता है, जो किडनी पर असर डालता है। इस कारण से भी मेथी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मेथी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लीवर, लीवर शरीर से सभी विषैले जीवाणुओं को बाहर निकालने का काम करता है। अगर लीवर खराब हो जाए तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। लीवर पर सबसे बुरा असर शराब पीने से होता है। शराब पीने से लीवर की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि मेथी के दाने लीवर को शराब के बुरे प्रभाव से बचाते हैं। जिनका लीवर शराब पीने से प्रभावित हुआ है, उनके लिए मेथी के दाने कारगर साबित हो सकते हैं। मेथी के दाने में पॉलीफेनोलिक तत्व होता है, जो लीवर को नष्ट होने से बचाता है। एंटी एजिंग, समय के साथ साथ चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर साफ नज़र आने लगता है। ऐसे में मेथी का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। यह त्वचा के लिए गुणकारी औषधि है। स्किन मॉइस्चराइजर, अगर चाहते हैं कि आप त्वचा पर मॉइस्चराइजर कायम रहे तो मेथी के दाने अच्छा विकल्प हो सकते हैं। मेथी के दाने स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। झड़ते बाल, बालों को जड़ों से मजबूत बनाने के लिए मेथी का प्रयोग किया जा सकता है।
साथ ही यह बालों के रोम छिद्रों से जुड़ी समस्याओं को भी खत्म करती है। डैंड्रफ होना एक आम समस्या है, यह किसी को भी हो सकता है। यह समस्या ज़्यादातर सर्दियों में होती है। इस समस्या के लिए मेथी का प्रयोग किया जा सकता है। चमकदार बाल, बालों में चमक बरकरार रखने के लिए मेथी से बने हेयर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। समय पूर्व सफ़ेद बालों से बचाव, कई लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, उन्हें इससे राहत पाने के लिए मेथी का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि मेथी के दानों की तासीर गर्म होती है, इसका सीधे सेवन करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, इसलिए मेथी के दानों को कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रखना चाहिए ताकि उसकी गर्माहट कम हो जाए। इसके बाद मेथी के दानों को प्रयोग में लाना चाहिए। मेथी के दानों को 1-2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लें और फिर इसे सब्जी या फिर सलाद के ऊपर डाल दें। इससे ना सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ेगा बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखने के बाद एक कपड़े में बांधकर रख दें। कुछ दिन ऐसे ही रखने के बाद मेथी के दाने अंकुरित हो जाएंगे। अब आप इसे सलाद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। मेथी का इस तरह से सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद है। सर्दियों में लगभग हर घर में मेथी के पराठे और रोटियां बनाई जाती हैं। मेथी का इस प्रकार से सेवन करने से भी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। बुखार होने पर मेथी दाने की हर्बल चाय पीने से फायदा होता है। पानी में मेथी के दाने डालकर उसे उबालें। स्वाद के लिए इसमें नींबू और शहद मिला सकते हैं। मेथी दाने से बना तेल भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इससे कई प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है। मेथी के दाने कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। कब्ज के रोगी को सुबह शाम 1 चम्मच मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं मेथी के नुकसान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेथी के दाने सेहत के लिए लाजवाब हैं। इसे अपने भोजन में शामिल करने से कोई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, लेकिन इतने फायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। कुछ मामलों में इसके सेवन से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेथी से नुकसान के बारे में यहाँ हम विस्तार से बात करते हैं। डायबिटीज़। बेशक डायबिटीज़ के मरीजों को मेथी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से परेशानी भी हो सकती है। मेथी को जरूरत से ज़्यादा लेने पर रक्त में शुगर का स्तर प्रभावित हो सकता है। शरीर व मूत्र से दुर्गंध। अमूमन बैक्टीरिया या किसी संक्रमण के कारण शरीर से बदबू आने लगती है, लेकिन कुछ मामलों में मेथी भी इसका कारण बन सकती है। अधिक मात्रा में मेथी का सेवन करने से शरीर व मूत्र से दुर्गंध आने लगती है। दस्त। हालांकि पाचन तंत्र के लिए मेथी के दाने अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार यह दस्त का कारण भी बन जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मेथी खाने से पेट खराब हो सकता है और दस्त लग जाते हैं। अगर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे खाने से पेट खराब होता है तो उससे शिशु को भी दस्त लग सकते हैं। इसलिए ऐसे कोई लक्षण नज़र आते हैं तो इसका सेवन बंद कर दें। गर्भाशय संकुचन। जैसा कि मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, अगर गर्भवती महिला इसका अधिक सेवन करती है तो समय से पहले गर्भाशय संकुचन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मेथी के दानों में ऑक्सीटोसिन होता है जो गर्भाशय संकुचन का कारण बनता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं मेथी दाने का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। एलर्जी। कुछ लोगों को मेथी दाने के सेवन से एलर्जी हो सकती है। यह एलर्जी चेहरे पर सूजन के तौर पर नज़र आ सकती है। वहीं कुछ को शरीर पर रैशेज हो सकते हैं, सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है और कुछ बेहोश तक हो जाते हैं।
इसके अलावा कई लोगों को मेथी के सेवन से छाती में दर्द जैसी शिकायत होने लगती है। यह तासीर में गर्म होती है, इसलिए कुछ लोगों को बवासीर, गैस व एसिडिटी तक की शिकायत हो जाती है। साथ ही अगर कोई किसी बीमारी के लिए दवा खा रहा है तो मेथी के दानों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बच्चों के लिए हानिकारक। बच्चों के लिए मेथी दाने को सुरक्षित नहीं माना गया है। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसे खाने से दस्त लग सकते हैं, वहीं इसकी हर्बल चाय पीना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसकी मानसिक की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि मेथी के सप्लीमेंट्स बच्चों को ना दें। अगर देना ही चाहते हैं तो सब्जियों में डालकर दे सकते हैं। पुरुषों के लिए, जो पुरुष अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें मेथी का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस अवस्था में मेथी खाने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वहीं जिन्हें थायराइड है उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। थायराइड से ग्रस्त ऐसे कई पुरुषों के केस सामने आए हैं जिन्होंने मेथी का सेवन किया था और उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करें www.informationcenter.co.in। धन्यवाद।